वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है शब्द परिवार। शब्द परिवार का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने शब्द परिवार के बहुत सारे प्रकार देखे और इन प्रकारों में हमने शब्द के अन्य रूप भी देखे। अब इस सेशन में हम शब्द के अन्य रूपों में पर्यायवाची शब्द अर्थात सेम मीनिंग वर्ड्स और विलोम शब्द अर्थात विरोधार्थी शब्द जिसे हम अपोजिट शब्द कहते हैं, तो इन शब्द के अन्य रूपों का हम विस्तार से इस सेशन में अध्ययन करेंगे। शब्द के अन्य रूप हम देख रहे थे, जैसे कि शब्द के अन्य रूपों में है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इसके पहले भागों में हमने इसको विस्तार से पढ़ लिया। अब शब्द के अन्य रूपों में हम समानार्थी अर्थात समानार्थी शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द अर्थात विरोधार्थी शब्द अपोजिट शब्द, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। पर्यायवाची शब्द अर्थात उसके लिए दूसरा शब्द है समानार्थी शब्द। किसे कहेंगे हम पर्यायवाची शब्द? उसकी डेफिनेशन है किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द को। किसी भी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग शब्द दिए हैं, तो उनके पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। अग्नि, अग्नि के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनल, फिर आग, कृषाणु। कृषाणु का अर्थ क्या होगा? अग्नि, अनल, आग। अगर आपको एग्जाम में कृषाणु पूछा जाए तो उसके समानार्थी शब्द कौन से हो सकते हैं? आग, अनल और अग्नि। आकाश, आकाश के लिए कौन कौन से शब्द है? ये सब बहुत आसान है। नभ, अंबर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा गया अंतरिक्ष शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए तो कौन कौन से लिखेंगे? आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम। कभी कभी आपको एग्जाम में अलग अलग पैराग्राफ दिए जाते हैं परिच्छेद, और परिच्छेद में से कोई एक कठिन शब्द पूछा जाता है कि इसका मीनिंग लिखिए, या फिर आपको आंसर में क्या प्रश्न में आंसर दिया जाता है और उसके लिए समान अर्थ का या सेम मीनिंग का शब्द आपको परिच्छेद में ढूंढकर लिखना होता है। अब देखते हैं अलग अलग समानार्थी शब्द के हम पर्यायवाची शब्द के थोड़े विस्तार से उदाहरण देखते हैं। अश्व, अश्व का अर्थ क्या क्या होते हैं? तुरंग, वाजी, घोड़ा, सैंधव। अब अश्व का हम सबको तो एक ही अर्थ पता था, घोड़ा, लेकिन देखो उसके अलावा तुरंग, वाजी, सैंधव, ये सारे अश्व अर्थात घोड़े के सेम मीनिंग है पर्यायवाची शब्द। इसके बाद अतिथि, अतिथि गेस्ट, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। इसके बाद असुर, असुर का अर्थ क्या होता है? दानव या राक्षस। इसमें से हमने राक्षस और दानव ये शब्द बहुत बार सुने हैं, लेकिन दनुज, निशाचर, तमीचर यह भी असुर के सेम मीनिंग वाले समान अर्थ वाले शब्द है। इसके बाद इंद्र, अब देखिए इंद्र के कौन कौन से अर्थ है हम देखते हैं सेम मीनिंग वाले समान अर्थ शब्द। इंद्र के सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, मधवा, सुरपति, पुरंदर, कितने सारे अर्थ है इंद्र के। तो बच्चों हमने विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द किसे कहते हैं ये डेफिनेशन देख लिए, अब देखते हैं उदाहरण। अब यहां पर लिखा है आदि, आदि का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत, होना। उसका उत्तर क्या होगा? अपोजिट शब्द कौन सा लिखना है हमें? आदि, अंत। आदि का अपोजिट वर्ड होगा
अंत। अब देखिए उत्तर लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे समानार्थी शब्द लिखते समय अलग प्रकार से लिखे जाते हैं और विरोधार्थी शब्द अलग प्रकार से। अब समानार्थी शब्द लिखते समय हम जैसे कि लेते हैं आकाश, जब उत्तर लिखते हैं ना समानार्थी शब्द में तो उसके सामने ऐसा चिन्ह लगाया जाता है और उसके आगे उत्तर लिखा जाता है, और अपोजिट में विरोधार्थी शब्द में जैसे कि अब देखो आदि, तो अपोजिट में हमेशा इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है और फिर उसके आगे उत्तर लिखा जाता है, जैसे कि आदि अंत। ठीक है, तो देखो यह हुआ, इससे हमें पता चलता है कि समानार्थी शब्द है और यह विरोधार्थी शब्द है, विपरीतार्थ शब्द या विलोम शब्द। तो इस प्रकार आदि अंत, अमृत विष, अल्प, अब हम किस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे नहीं क्योंकि ये विलोम शब्द है, विलोम शब्द लिखते समय हमेशा इस प्रकार का लगाता है चिन्ह। अल्प, अल्प का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, बहुत कम, अल्प मतलब कम, उसका विरोधार्थी शब्द क्या होगा अधिक। अनुज, उसका विरोधार्थी शब्द होगा अग्रज। अनुकूल, प्रतिकूल। अंधकार, प्रकाश। अब देखें आकाश, आकाश का विरोधार्थी शब्द क्या है, अंबर, अंबर तो समानार्थी शब्द है, तो क्या आएगा आकाश धरती या फिर पाताल। अब आकाश का समानार्थी शब्द क्या आएगा, बहुत सारे आएंगे, क्या था हमने देखा था नभ, अंबर, गगन। तो देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि गगन आकाश का समानार्थी शब्द है, सिंबल से पता चल रहा है, और आकाश का अपोजिट या विलोम शब्द है धरती या पाताल। आदान, प्रदान। आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या होता है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और उसका अपोजिट होगा नास्तिक, अर्थात ईश्वर में जिसे विश्वास नहीं है। आयात, आयात का अपोजिट होगा निर्यात, माल का जो आवागमन होता है उसे आयात और निर्यात कहते हैं। उसके बाद उजियाला, अंधकार। अब समानार्थी शब्द क्या होगा उजियाला का, प्रकाश। उत्थान, पतन। उन्नति, अवनति। उन्नति का ही समानार्थी शब्द क्या होगा, विकास। उपकार, अपोजिट शब्द होगा अपकार। अब कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा हम सराव कर लेते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का उचित मिलान कीजिए, अर्थात आपको पर्यायवाची शब्दों के जोड़ियां मिलाने हैं, कॉलम को मैच द कॉलम करते हैं ना हम। अब देखते हैं यहां पर कौन कौन से शब्द है। क में आपको आंख, नवीन, जंगल, आकाश, कमल दिए हैं, और ख में आपको अंबर, सरोज, नया, अनल और अरण्य दिए। तो आपको क की जोड़ी, क का ख से मिलान करना है और उत्तर आपको लिखना है। तो आग, आग का अर्थ क्या हुआ, अनल, वेरी गुड। अक का अर्थ हुआ, आग का अर्थ हुआ अनल। उसके बाद नवीन, नवीन का अर्थ क्या होता है, नया। जंगल, जंगल का अर्थ क्या है, अरण्य। आकाश, आकाश का अर्थ क्या होगा, अंबर, वेरी गुड। कमल, कमल का अर्थ क्या है, सरोज।
देखते हैं दूसरे प्रश्न, ग्रामीण शब्द का विलोम शब्द बताएं। हमें ग्रामीण शब्द का विरोधार्थी शब्द लिखना है, अपोजिट। यहाँ पर विकल्प दिए है क महानगरीय, ग्रामवासी, शहरवासी या शहरी। तो ग्रामीण का अपोजिट वर्ड्स कौन सा होगा? घ, ग्रामीण। वेरी गुड। इसके बाद साकार शब्द का विलोम शब्द हमें ढूंढकर लिखना है, अपोजिट्स। उत्तर क्या विकल्प है? प्रत्यक्ष, दुराचार, आकर या निराकार। तो क्या होगा? साकार, निराकार। अब देखिए ज्यादा करके हम देखते हैं कि विलोम शब्द में शब्दों के आगे निरा, नी, आ, अ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साकार, निराकार। अहंकार शब्द का अर्थ लिखना है, अर्थात मीनिंग लिखना है हमें। अहंकार के उत्तर में दिए हैं आपको गुस्सा, मोह, प्यार या घमंड। क्या होगा इसमें से? अहंकार का अर्थ घमंड। वेरी गुड। इसके आगे आक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, अर्थात सेम मीनिंग। क्या है? शशि, सोम, श्यामा, नेत्र। तो कौन सा आंसर होगा? आक का समानार्थी शब्द घ, नेत्र। कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको देखो यहाँ पर अलग अलग विकल्प दिए हैं और उसमें से पर्यायवाची शब्द को नहीं है ऐसा पूछा है। पर्वत, पहाड़, गिरी, नाग। अब इसमें देखो पर्वत, पहाड़ और गिरी एक ही स्थान के वस्तु के नाम है, लेकिन नाग यह प्राणी का नाम है, इसलिए तो पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, उसका उत्तर होगा घ। उत्तर है नाग। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको अलग अलग दिए हैं, इंसान, मनुष्य, आदमी और देवता। अब देखो ये सारे इंसानों के नाम है, अलग अलग शब्द। देवता ईश्वर का कहा जाता है, इसलिए देवता यह शब्द पर्यायवाची शब्द। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित विलोम शब्दों का उचित मिलान कीजिए, अर्थात आपको जोड़िया मिलानी है। यहाँ पर अपोजिट शब्द दिए हैं, उसके उचित उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप अब क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखने का प्रयास करेंगे, फिर हम उत्तर को रिचेक करते हैं। स्टार्ट कर दीजिए फिर उत्तर लिखना। लिख दिया, चलो फिर अब आपके उत्तर सही या गलत रीचेकिंग कर लेते हैं। देखते हैं स्वाधीन, स्वाधीन का अपोजिट स्वर क्या आएगा? पराधीन। वेरी गुड। अब देखिए हमें पूरा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, उसके सामने जो विकल्प दिए हैं ना हम उसको लिखेंगे आंसर में तो भी चलता है। तो उसके सामने क्या दिया है? च। तो इसका उत्तर क्या आएगा? च भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा शब्द भी लिख सकते हो। स्वाधीन का क्या? पराधीन। फिर निंदा, निंदा का अपोजिट स्वर क्या आएगा? प्रशंसा। वेरी गुड। तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है? क। तो आप क भी लिख सकते हो। फिर पाप, पाप का अपोजिट वर्ड पुण्य। वेरी गुड। उसके सामने क्या है विकल्प का उत्तर? घ। जीवित, जीवित का अपोजिट वर्ड मृत। वेरी गुड। तो क्या है उसका सही आंसर? ख। तो हम ख लिखेंगे। फिर प्रकाश, प्रकाश का अपोजिट वर्ड क्या है? अंधकार। वेरी गुड। तो इसके सामने जो विकल्प लिया है वो लिखना है हमें, क्या है? ग। तो इस प्रकार हमारे उत्तर, आपने उत्तर ये चेक कर लिए, सबके उत्तर सही आए, बराबर है? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों अब तक हमने शब्द परिवार में विलोम शब्द और समानार्थी शब्दों को विस्तार से पढ़ा, आगे भी हम शब्द के अन्य रूपों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।